तो आज की वीडियो के अंदर हमारे पास है गेमर्स का ड्रीम फोन और ये है नूबिया रेड मैजिक 7 और इसको हमने दुबई से मंगा लिया है। तो देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है। बाय द वे ये ऐसे लग रहा है जैसे कॉमिक बुक मंगा ली हो मैंने, बट ये थोड़ी मोटी है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। रेड मैजिक और इसका लोगो ऐसे लग रहा है स्पाइडरमैन से इंस्पायर हो। खुल जाओ सेम सेम रेड मैजिक। ब्लैक बॉक्स अंदर से और फोन की स्क्रीन गार्ड की हालत खराब है, बट भाई बैक से देख रहे हो लुक बिल्कुल तगड़ा लग रहा है। गेमर्स को टारगेट करके बनाया है इसका लुक और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैक है, बाकी इसकी आगे बात करेंगे। ऊपर की तरफ पाउच में तो हमने देखा ही नहीं क्या क्या मसाला दिया है रेड मैजिक के अंदर। ये गेमिंग फोन के साथ ना बहुत मस्त तरीके के केस आते हैं गेमर्स को टारगेट करते हुए। और यहाँ पर कुछ है चाइनीज लैंग्वेज में यूजर मैनुअल, क्योंकि ये चाइनीज यूनिट है। और यहाँ पर कुछ स्टिकर्स हैं, आप इन्हें लगाकर फोन पर या लैपटॉप पर उनकी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। हमने लगा ली दीदी। और नीचे की तरफ बॉक्स में है ये सांप जैसी मोटी केबल और ये टाइप C2C है, मस्त। और यहाँ पर भाई बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है इसकी। बाकी चार्जर देखते हैं 165 वोल्ट का फास्ट चार्जर। भाई साहब मैंने अभी तक 120 वोल्ट का लास्ट फास्ट चार्जर देखा है, तो ये तो एक तरीके से जनरेटर ही है, आग लगाना दे फोन के अंदर। अभी मैं देख रहा हूँ इसका जो लुक है वो भाई पूरा गेमर्स को टारगेट करके बनाया हुआ है। ऐसे लग रहा है लौंडा जैकेट वैकेट पहन के आया हो। और यहाँ पर इसकी जो बैक है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट देखने में लगती है और यहाँ से आप देख भी सकते हैं इसका फैन विजिबल है। बट ये जो दूसरे कॉम्पोनेंट देख रहे हो ना, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिप है, ये सब एक तरीके से प्रिंटेड है, क्योंकि यहाँ पर अंदर की तरफ केसिंग है, ऊपर की तरफ ग्लास है। और कैमरा मॉड्यूल के नीचे आपको लग रहा होगा मेटल यूज करा गया है, बट यहाँ पर हो सकता है अंदर की तरफ हो लेकिन ऊपर की तरफ ग्लास ही है। वो चूना लगा दिया। और देखो एक मस्त चीज दिखाऊं, ये जो लोगो है ना ये ग्लो करता है, जैसे आप फोन को ऑन करोगे ये मस्त तरीके से ग्लो करता है। ये काफी तक स्पाइडरमैन जैसा लग रहा है, जैसे स्पाइडरमैन का लोगो है ना वैसा। बाकी यहाँ पर जो फैन दिया गया है इसके लिए एयर वेंट आपको एक यहाँ मिल जाता है, एक एयर वेंट यहाँ, एक एयर वेंट यहाँ। क्या इसका यूज है एक्चुअल में उसकी बात आगे करेंगे, बट इस फोन के अंदर और भी बहुत तगड़ी चीजें गेमर्स के लिए। देखो ये गेमर्स को टारगेट करके बनाया है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रिगर्स मिल जाते हैं। गेम स्पेस में जाने के लिए डेडिकेटेड बटन है। देखो जैसे आप इसे ऑन करोगे आप गेम स्पेस में चले जाओगे और मस्त मस्त अपने गेम खेल सकते हो। और इससे बाहर जाने के लिए आपको इसे वापस से नीचे करना होगा और आप होम स्क्रीन पर आ जाओगे। बाकी ये गेमिंग फोन है तो इसके अंदर 3 माइक्रोफोन्स दिए गए हैं, मेटल फ्रेम है साइड का। और गेमर्स लोगों को क्या चाहिए, अच्छे स्पीकर्स। तो इसमें फ्रंट शूटेड स्पीकर दिए हैं, जिसकी वजह से अगर आप ऐसे पकड़ के भी फोन को खेलोगे गेम तो ये नहीं दबने वाले और आपको मस्त साउंड आएगी फ्रंट से। बाकी इसके अंदर एक चीज और है जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है, 3.5mm जैक का गड्ढा मिल जाता है, तो आप इसे लगाकर भी मस्त गेमिंग कर सकते हो। अब इस फोन के अंदर एमोलेड पैनल तो है ही, और इसका जो भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन आपको इस पर फिंगर रखनी पड़ती है। आईगो की तरह नहीं है, आप थोड़ी सी भी लगाओ अचानक से खुल जाएगा, बट इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। बाकी यहां पर ये कोई नॉर्मल एमोलेड पैनल नहीं है, इसके अंदर दिया गया है 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और मोटरोला के अंदर हमने 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो यूज किया हुआ है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा स्मूथ है। और अगर आप 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को या 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को यूज कर लोगे कुछ दिन और उसके बाद 120 हर्ट्ज पे स्विच करोगे ना, ऐसा लगेगा जैसे 120 हर्ट्ज को यूज करके आप 60 हर्ट्ज पे स्विच कर गए हो। मतलब काफी ज्यादा स्मूथ है ये, और इसके अंदर मेरे को कोई भी फ्रेम जिटरिंग नहीं मिली। और गेमर्स के लिए एक और मस्त चीज है, यहीं रुक जाओ, आपको इसके अंदर 720 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी दिया है, तो गेमर लोग मजा आ गया। और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो आपको बेजल दी गई है ये इस वजह से मिल जाती है, बिकॉज जब भी हम गेम प्ले करते हैं इस तरीके की पोजीशन में तो इसकी वजह से ना हमें एक्सीडेंटल टच मिलते हैं जिसमें कम बेजल और चिन होती है उसके अंदर, तो यहां पर वो नहीं मिलेगा। और मैं इसमें देख रहा हूं यहां पर हर्ट रेट मेजर करने के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, तो चेक करते हैं क्या चीज है ये। मतलब हमें फिंगरप्रिंट एरिया पर अपनी फिंगर टच करनी है और यहाँ पर ये मेजर करेगा इसको यूज करके। बहुत सही चीज़ है, हालांकि इन चीज़ों की एप्लीकेशन भी आती है, बट ये मैं पहली बार देख रहा हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज करके हमारी हर्ट रेट बता रहा है, वो 73 है। तो चेक करते हैं कितना एक्यूरेट है भाई एप्पल वॉच के कंपैरिजन में। तो मेजर कर लेते हैं, एप्पल वॉच ने स्टार्ट कर दिया है, एप्पल वॉच ने मेजर भी कर दिया, 75 BPM आ रहे हैं और दोनों के अंदर 75 देख सकते हैं आप, क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है। भाई ये 81 पर मत जाना, ये वाला होता है एक मिनट का और यहाँ पर इसने भी मिनट के हिसाब से ही दिखाया है। अब आप लोगों का भी खुराफाती दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई ये फैन ऑन कैसा होगा, तो आप इसे विजिट से ऑन कर सकते हो एंड इसके अंदर दो स्पीड मिल जाती है, या तो आप नॉर्मल पे इसे ऑन करके रख सकते हो और देखो ये लाइट कितनी मस्त ग्लो कर रही है, वरना इसका एक फास्ट मोड भी आता है और इससे ना आवाज भी बहुत आती है, मैं सुनाता हूं। और ये मस्त हवा फेंकता है भाई बाहर की तरफ। वरना अगर आप इसे मैन्युअली ऑन नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। अगर आप कोई भी हैवी एप्लीकेशन ऑन करोगे ना इसके अंदर, लाइक एंड टू हमने ऑन करा एंड इसे ऑन कर दे, इसका फैन ऑन हो गया अपने आप। मतलब जिसके अंदर प्रोसेसर को ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ करा जाएगा वहाँ पर प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए फैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और इसके ऊपर लिखा है कि 20,000 RPM तक वर्क करता है। बाकी इस फोन के अंदर फैन होने की एक मेरे को डिसएडवांटेज भी लगी है, मतलब इतने सारे वैंड दिए ना इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो फैन के साइड
पे कितनी डस्ट घुस चुकी है बिकॉज ऑफ वेंट, वेंट के थ्रू इसके अंदर काफी सारी डस्ट जा चुकी है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये मैश है ना, ये भी धूल को अंदर जाने से नहीं रोक रही है, इस वाले एरिया के अंदर भी काफी डस्ट घुस चुकी है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो आपको पता होगा कितनी धूल मिट्टी है भाई। और अभी तो मेरे को फोन यूज करते कुछ ही टाइम हुआ है और कुछ लोगों ने पहले भी इस फोन को यूज किया हुआ, वहीं से हमें मिला है, तो इतनी धूल अभी इसके अंदर आ चुकी है। तो अगर आप इसे और लंबे समय तक यूज करोगे तो इसके अंदर मेरे को लग रहा है पूरा पहाड़ी बन जाएगा धूल का। तो ये एक डिजाइन के अंदर फ्लो है क्योंकि वैंट के थ्रू ना पानी भी अंदर जा सकता है और पानी गया तो कीचड़ बन जाएगी इसके अंदर। तो ये मेरे हिसाब से इनको नेक्स्ट सीरीज के अंदर इंप्रूव करना चाहिए। अब गेमिंग फोन है तो इसके अंदर गेम खेल लेते हैं। और इसके अंदर 8th Gen 1 प्रोसेसर, आपको पता होगा इसका जो इतिहास है अभी प्रोसेसर का वो काफी खतरनाक है, काफी गर्मा गर्म रहा है, दिल्ली की गर्मी के पीछे इसी का राज है। तो चेक करते हैं इसके अंदर कितने अच्छे से हीट कंट्रोल करता है फैन। बाकी हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर BGMI से, इंडिया का फेवरेट गेम। तो यहाँ पर जो सेटिंग्स मिल जाती है BGMI में ये सही है, स्मूथ एक्सट्रीम, बैलेंस एक्सट्रीम, HD एक्सट्रीम, HDR एक्सट्रीम और अल्ट्रा HD में आप गेम प्ले कर सकते हो। हालांकि इंडियन गेम है और चाइनीज फोन है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 90 FPS इसलिए हमें नहीं मिला बिकॉज ये उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है। तो यहाँ पर गेम प्ले कर लेते हैं कितना स्मूथ है चेक करते हैं। नीचे वाले स्पीकर्स और फ्रंट सूटेड होने चाहिए थे बिकॉज देखो ये दब जाते हैं, तो ऊपर की तरह ना नीचे भी होने चाहिए थे और नीचे अच्छी खासी चीन है। बाकी भाई ग्राफिक्स तो बहुत सही लग रहे हैं इसके, आज करेंगे हम चिकन डिनर, नवरात्रि भी खत्म हो चुके हैं। फोन की स्पीकर्स, परफॉर्मेंस, सब चीज़ एक नंबर है, बट थोड़ा सा ना फोन मेरे को हीट फील हो रहा है। और देखो इसका फैन ऑन है जब भी ये फोन, अच्छा हीट हो रहा है अभी बैक से और अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है इसे स्टार्ट करे हुए। बाकी स्मूथनेस में कोई मेरे को कमी नहीं लग रही है, कोई फ्रेम ड्रॉप, कोई जिटरिंग नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो BGMI का गेम प्ले ना ये काफी अच्छा है, बट फैन चलने के बाद भी ना फोन काफी हीट हो रहा है और फैन की आवाज आ रही है वो अलग चीज है। तो इसको तो ये ठीक हैंडल कर रहा है बट थोड़े से हीटिंग इश्यूज हैं। देखते हैं ये BGMI के साथ साथ जिनशिन इंपैक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकता है बिकॉज जिनशिन इंपैक्ट काफी तगड़ा गेम है जो कि हैवी फोन ही संभाल पाते हैं, हैवी ड्राइवर की तरह। तो जिनशिन इंपैक्ट का जो गेम प्ले है ना इस फोन के अंदर काफी स्मूथ है, कोई फ्रेम ड्रॉप मेरे को नहीं मिल रहा। हाँ आईफोन की तरह जैसे कि इसके अंदर भी ना बीच बीच में फ्रेम स्किप हो जाते हैं जो कि जिनशिन इंपैक्ट की कमी है, बाकी यहाँ पर ग्राफिक्स काफी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। बट इस फोन के साथ ये गेम अच्छे से ऑप्टिमाइज है, उसके बाद भी इसके अंदर आप सिर्फ 60 FPS के अंदर ही गेम प्ले कर सकते हैं। आईफोन के अंदर सीन क्या है ना, आप 120 FPS तक गेम प्ले कर सकते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम 60 FPS तक ही जिनशिन इंपैक्ट को प्ले कर सकते हैं। और मैं ऑफ कैमरा भी जिनशिन इंपैक्ट को खेल रहा था एंड 30 मिनट ही मैंने खेला एंड उसके बाद ये फोन पंखा होने के बाद भी उबल चुका है भाई। इसका जो टेम्परेचर मैंने नोट करा 54 डिग्री सेल्सियस करा, इससे पहले मैंने लास्ट जो इस गेम के साथ फुल सेटिंग्स पे टेम्परेचर नोट किया था एसएस का किया था 51 डिग्री सेल्सियस, इसने उसके भी टेम्परेचर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया वो भी पंखे के साथ। तो मेरे को ये पंखा ज्यादा यूजफुल नहीं लगा, एक तो इसकी वजह से अंदर धूल जा रही है, दूसरा ये बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा मेरे को। हाँ इसका एक यूज है, अगर फोन ज्यादा हीट हो गया तो आप इसे ऑन करके साइड रख दो फोन, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। बट जब आप इसके साथ गेम प्ले करोगे इसे ऑन करके, इसमें सिर्फ आवाज ही आएगी, ठंडा वंडा ये नहीं रखता फोन को। तो मेरे को ये इतना यूजफुल नहीं लगा फैन। अब ये तो आ गया, अब एसी टेक्नोलॉजी का और वेट करना है फोन के अंदर। बाकी ये गेमिंग फोन है तो इसके कैमरास की क्या ही बात करूं, यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हैं। कहने को तो इसमें बैक में 3-3 कैमरा है और फ्रंट में भी मस्त कैमरा सेंसर दिया, बट उसके बाद भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो गेमिंग फोन में ना कैमरे पर इतना फोकस नहीं किया जाता, चाहे मैं ROG की बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं, तो इसको हम डिसेंट ही बोलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर इसके अंदर 4500 mAh का बैटरी दिया है विद 165W फास्ट चार्जर और ये तड़कता भड़कता चार्ज कर देता है इसे सिर्फ 17 मिनट में, ऑन पेपर बताया गया है, लेकिन ये मेरे हिसाब से 20-25 मिनट के अंदर ही चार्ज होने वाला है। हालांकि मैं इसकी टेस्टिंग वीडियो लाने की कोशिश करूंगा सिर्फ चार्जिंग की। अब इसके बैटरी बैकअप की बताऊं तो देखो जितना ज्यादा इसके अंदर आप हैवी टास्क करोगे उतनी ज्यादा तेजी से इसकी बैटरी जाती है, तो फैन भी अलग बैटरी कंज्यूम करता है, ऊपर से हीटिंग इश्यूज की वजह से और भी ज्यादा तेजी से बैटरी जारी है इसके अंदर। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप इतना सॉलिड मेरे को नहीं लगा है, बट हाँ अगर आप गेमर और चार्जिंग पर लगाकर इससे गेम प्ले करते हो तो ये बैटरी को यूज नहीं करेगा, जो चार्जिंग से हमने लगाया ना उसकी पावर को कंज्यूम करेगा। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर, हमने इस फोन को अच्छे से निचोड़ लिया और इसमें भाई 8th Gen 1 के साथ जो हीटिंग इश्यूज हैं वो दूसरे फोनों के कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं और ऊपर से इसके अंदर फैन भी है, पंखा दिया है भाई अच्छा खासा, उसके बाद भी इसके अंदर जो हीटिंग इश्यूज हैं दूसरे फोन के कंपेरिजन में यहाँ स्टैंड करते हैं। 54 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो अब आप मुझे बताना आपको कैसा लगा है फोन और आपको इसका कंपेरिजन किसके साथ चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट एंड स्टैंड इन विद एचवीएन बॉक्स गाइस।